हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज के वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो हमारे धर्म और आध्यात्म से जुड़ा हुआ एक विषय है और उस विषय का नाम है अमरनाथ यात्रा। क्या होती है अमरनाथ यात्रा? अमरनाथ यात्रा एक ऐसी धार्मिक यात्रा है जो प्रत्येक वर्ष श्रावण माह में संपन्न होती है। इस यात्रा का संबंध हिंदू धर्म से है और इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुगण जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिले में स्थित एक गुफा में प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग का दर्शन करते हैं। चलिए अब हम पता करते हैं अमरनाथ यात्रा की मान्यता के संबंध में। अमरनाथ यात्रा की मान्यता के संबंध में मूल विषय यह है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनकी अमरता का कारण पूछा। भगवान शिव ने माता पार्वती को उत्तर देते हुए कहा कि इस विषय को जानने के लिए आपको अमर कथा का श्रवण करना पड़ेगा और ये कथा का श्रवण आपको वहां करना पड़ेगा जहां आपके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति इस कथा का श्रवण न कर सके। तो एक सही स्थल की तलाश में भगवान शिव और माता पार्वती एक गुफा में पहुंचते हैं और जिस गुफा में उन्होंने माता पार्वती को यह कथा सुनाई उसी गुफा का नाम है अमरनाथ गुफा। कथा सुनाने के दौरान भगवान शिव ने यह सुनिश्चित किया कि माता पार्वती के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति इस कथा का श्रवण न कर सके और उन्होंने इसके लिए आसपास के समस्त क्षेत्र को साफ करवा दिया। लेकिन कथा के बीच में अचानक ही कबूतरों का एक जोड़ा प्रवेश कर गया और माता पार्वती के साथ साथ उस कबूतर के जोड़े ने भी इस कथा का श्रवण कर लिया। तो मान्यता के अनुसार ये कबूतर का जोड़ा आज भी अमर है और कई श्रद्धालु गण अमरनाथ में इस जोड़े को देखने का दावा भी करते हैं। आइए अब हम अमरनाथ गुफा तक पहुँचने के मार्गों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस गुफा तक पहुँचने के दो प्रमुख मार्ग हैं। पहला मार्ग पहलगाम से आरंभ होकर गुफा तक जाता है जिसकी दूरी लगभग 46 किलोमीटर है। ये ज़्यादा चलता फिरता मार्ग है और आमतौर पर श्रद्धालुगण इसी मार्ग से जाना पसंद करते हैं। दूसरा मार्ग बालटाल से होकर जाता है। यह मार्ग हालांकि तुलनात्मक रूप से छोटा है, लगभग 14 से 15 किलोमीटर का, लेकिन यह मार्ग ज़्यादा दुर्गम और असुरक्षित माना जाता है, इसलिए अधिकांश श्रद्धालु पहले मार्ग से जाना पसंद करते हैं। चलिए अब हम यात्रा के मध्य पड़ने वाले विभिन्न स्थलों और विभिन्न चरणों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यात्रा की शुरुआत पहलगाम से होती है। मान्यता के अनुसार पहलगाम में ही भगवान ने नंदी को छोड़ दिया था। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भगवान शिव इस अमर कथा को केवल और केवल माता पार्वती को सुनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहलगाम में नंदी को छोड़ दिया था। यात्रा का जो अगला चरण होता है वो है चंदनवाड़ी का। मान्यता के अनुसार यहीं पर आकर भगवान ने चंद्रमा को छोड़ दिया था। चंदनवाड़ी में रात्र विश्राम के बाद अगले दिन यात्रीगण अगले चरण की यात्रा आरंभ करते हैं और इस अगले चरण की यात्रा में श्रद्धालुगणों को पिस्सू घाट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है जो कि इस यात्रा का एक बहुत ही कठिन चरण माना जाता है। पिस्सू घाट की चढ़ाई के बाद यात्रीगण शेषनाग पहुंचते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने यहीं पर आकर शेषनाग का परित्याग किया था। इसके बाद शेषनाग से ही महागुनस पर्वत दिखाई देता है और मान्यता के अनुसार महागुनस पर्वत में ही भगवान शिव ने भगवान गणेश को छोड़ दिया था। इसके बाद यात्रा का अगला पड़ाव पंचतरणी का है। मान्यता के अनुसार माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के क्रम में पंचतरणी ही वह स्थल था जहां पर भगवान शिव ने पृथ्वी, आकाश, जल, वायु एवं अग्नि का परित्याग किया था। पंचतरणी के बाद यात्रा के अगले चरण में श्रद्धालुगण अमरनाथ गुफा पहुंच जाते हैं तथा बाबा बर्फानी या पवित्र शिवलिंग का दर्शन करते हैं। यहां यह एक बात उल्लेखनीय है कि इस पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत छड़ी मुबारक की पूजा से होती है। छड़ी मुबारक के बारे में माना जाता है कि यह भगवान शिव का पवित्र दंड है, तो छड़ी मुबारक की पूजा के साथ इस यात्रा की शुरुआत होती है और जैसे ही छड़ी मुबारक
को अमरनाथ गुफा में स्थापित किया जाता है और याद रहे इसकी स्थापना रक्षाबंधन के दिन की जाती है, उसी दिन इस यात्रा को समाप्त कर दिया जाता है। आखिर क्या है रहस्य अमरनाथ गुफा में बनने वाले शिवलिंग का? अमरनाथ गुफा में बनने वाला शिवलिंग कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, बल्कि यह काफी रहस्यात्मक है और प्राकृतिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में प्राकृतिक रूप से इस शिवलिंग का निर्माण होता है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन यह शिवलिंग अपने पूर्ण आकार में आ जाता है और उसके बाद इसका आकार छोटा होना शुरू हो जाता है और अमावस्या तक यह अदृश्य हो जाता है। तो ये एक रहस्यात्मक शिवलिंग माना जाता है, इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम इस यात्रा के इतिहास के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। परंपरा के अनुसार इस यात्रा की शुरुआत महर्षि भृगु के द्वारा की गई थी। महर्षि भृगु जब अपनी तपस्या के लिए एक एकांत स्थल की तलाश में थे, सो इसी तलाश में उन्होंने पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज की थी। आगे कल्हण के द्वारा लिखित कश्मीर का इतिहास राज तरंगिणी में भी इस यात्रा की चर्चा की गई है। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर के द्वारा भी अमरनाथ यात्रा के बारे में बात कही गई है, लेकिन नवीनतम मान्यताओं के अनुसार इस अमरनाथ यात्रा या यूं कहें कि इस अमरनाथ गुफा की खोज एक चरवाहे बूटा मलिक के द्वारा 1850 के आसपास की गई थी। आइए सबसे आखिर में अब हम यह जान लेते हैं कि इस यात्रा का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। इस यात्रा का प्रबंधन करने के लिए वर्ष 2000 में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के राज्यपाल होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि भारत के धर्म और संस्कृति से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण विषय अमरनाथ यात्रा के बारे में मेरे द्वारा दी गई ये संक्षिप्त जानकारी आपको काफ़ी रुचिकर लगी होगी। तो इसी प्रकार से और बेहतरीन जानकारियों से युक्त वीडियो को देखने के लिए आप GS वर्ल्ड के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।